और रूस के बीच शुरू हुए युद्ध के कारण भारत में भी चिंता की लकीरें हैं। इसका कारण ये है कि यहाँ के कई राज्यों के बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में जानकारी है कि ओडिशा के झारसुगड़ा जिले के 20 स्टूडेंट्स भी वहां पर फंसे हुए हैं। चिंतित परिजनों ने अपने बच्चों से वीडियो कॉल करके बातचीत की और भारत सरकार से उनको अपने वतन और घर सुरक्षित लाने की मांग की। मैंने रशिया ने ये किया, कीप में जो अटैक किया है वो एयरपोर्ट को ये कर दिया है बोल रहे हैं, ब्लास्ट कर दिया है बोल रहे हैं। तो उसके बाद क्या होगा सोच नहीं पा रहे हैं हम, कैसा आएगी क्या करेगी। 28 तारीख को टिकट था लेकिन अभी मैंने कैसे आएगी हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। हमारे भारत के सरकार जो हैं मोदी जी, अगर कोशिश करेंगे तो शायद हम लोग का बच्चे लोग सही सलामत यहाँ इंडिया में आ सकते हैं, नहीं तो हम लोग को तो बहुत टेंशन है। तो मेरा लड़का यूक्रेन में पढ़ रहा है। लास्ट टाइम तो आज 4 बजे बात हुआ था लड़का के साथ, वो बता रहा था कि वही जो सुबह इंडिया का टाइम 8 बजे वहाँ का टाइम 5 बजे वो जो बम ब्लास्ट हुआ उसी से उन लोगों को बहुत घबरा गए हैं और बहुत भयभीत हो गए लड़का। खाना उना आज के लिए तो ठीक है और कल से बाजार तो बंद हो गया है और उन लोग को रूम से निकालने के लिए बंद कर दिए हैं, रूम के अंदर रहो बोल के। खाने के लिए वो जो डिक्लेरेशन हो रहा था कि युद्ध होगा बोल के वो लोग रखे हैं थोड़ा बहुत खाने के लिए, कितना दिन जाएगा वो, वही बोल रहे हैं कि कैसे वो लोग को सुरक्षित ले आएंगे। वही हम लोग का अनुरोध है सरकार से, भारत सरकार से हम बार बार